तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। सो बडीज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्ल्ड के सबसे चीपेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन के बारे में। हाँ, मैं जानता हूँ आपको पता लग गया होगा, वैसे तो उसका नाम है टेक्नो फैंटम वी फोल्ड, जो कि बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिलता है एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 88,888 रुपीज़। ये पता नहीं क्या सोच कर ये वाली प्राइस रखी हुई है टेक्नो वालों ने, और इसे आप अमेजोन पर जाकर बाय कर सकते हैं। इसके बेस वेरियंट की प्राइस देखने को मिलती है, इसके अपर वेरिएंट की प्राइस आपको थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये किसके लिए है और मतलब कम कीमत में आपको कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है वो बहुत ही अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलती है, आपको LTPO वाली एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है और सब डिस्प्ले भी, और आपको अनफोल्ड वाली डिस्प्ले मतलब कि बिग स्क्रीन और स्मॉल स्क्रीन दोनों आपको अच्छी स्क्रीन मतलब देखने को मिलती है। एमोलेड स्क्रीन है LTPO वाली टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिलती है, और इसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। अडेप्टिव रिफ्रेश रेट है, जैसे आप टास्क करेंगे उसके हिसाब से रिफ्रेश रेट चेंज होता जाएगा उसके टास्क के हिसाब से। बाकी इसमें आपको 1100 निट्स की पिक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। स्क्रीन साइज़ की बात करी जाए तो 6.42 इंच की आपको स्क्रीन साइज देखने को मिल जाती है इसके सब स्क्रीन की, यानी कि स्मॉल स्क्रीन की, अनफोल्डेबल वाली स्क्रीन की। और अनफोल्ड अगर इसकी बिग स्क्रीन की बात करी जाए तो वो है 7.82 इंच की इसकी आपको स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसका 2K प्लस का रिजोल्यूशन देखने को मिलता है। और वहीं जो इसकी छोटी वाली स्क्रीन है सब स्क्रीन, उसकी रिजोल्यूशन आपको FHD प्लस देखने को मिल जाता है, यानी कि ओवरऑल आपको डिस्प्ले बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरे की, तो जो कैमरा देखने को मिलता है वो है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा प्लस 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा प्लस 13MP का अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा। ये तीनों आपको कैमरा देखने को मिल जाते हैं। इन तीनों ही कैमरे की क्वालिटी आपको बहुत बढ़िया देखने को मिल जाती है, जो मुझे टेक्नो की साइट्स पे से कुछ पिक्चर्स देखने को मिलती है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आपको इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है आपको बढ़िया देखने को मिल जाती है इसके कैमरे के हिसाब से। तो मतलब कि एक फोल्डेबल स्मार्टफोन के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छी आपको कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाती है, वो भी सस्ते वाले फोल्डेबल स्मार्टफोन के अंदर। इसके अंदर आपको फ्रंट में 13MP का नहीं 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, और एक और कैमरा देखने को मिलता है 32MP का, जो कि आपको देखने को मिलता है इसकी सब स्क्रीन के अंदर। और जो 16MP का सेल्फी कैमरा है वो आपको बिग स्क्रीन के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि ओवरऑल आपको कैमरा बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की, जो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन देखने को मिलती है बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है। इसमें आपको 6.8mm की आपको थिकनेस देखने को मिल जाती है जब ये स्मार्टफोन अनफोल्ड रहता है, और जब फोल्डेबल हो जाता है तो इसकी थिकनेस आपको 14.53mm की देखने को मिलती है, और 300 ग्राम के अप्रोक्स आपको इसका वेट देखने को मिल जाता है, तो थोड़ा वेट ज़्यादा देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है एक फोल्डेबल स्मार्टफोन है तो उसका वेट थोड़ा आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। डबल स्क्रीन देखने को मिलती है तो आपको वेट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलने वाला है, वैसे बैटरी भी बहुत बड़ी है तो उसके कारण भी आपको वेट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोडक्शन देखने को मिलता है इसकी सब स्क्रीन में, और इसकी जो बिग स्क्रीन है उसमें भी आपको अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। पीछे से जो इसकी डिज़ाइन देखने को मिलती है वो बहुत बढ़िया आपको देखने को मिल जाती है, थोड़ी अलग डिज़ाइन देखने को मिलती है फोल्डेबल स्मार्टफोन के जनरेशन में मतलब फोल्डेबल स्मार्टफोन की सीरीज के अंदर। बढ़ते हैं इस स्मार्टफोन के चिपसेट की तरफ, तो जो चिपसेट देखने को मिलता है इस स्मार्टफोन के अंदर वो बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9000 प्लस का चिपसेट देखने को मिलता है, 4mm पर ये वाला चिपसेट बेस्ड रहता है, और बहुत ही अच्छी आपको मतलब की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है डेली लाइफ में भी, और नॉर्मल यूसेज में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। अगर आप मल्टीटास्क करें और हैवी यूसेज होता है आपको मोबाइल का तो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करके देगा, क्योंकि जो चिपसेट है बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब आपको देखने को मिल जाता है, और आप इसको इसमें गेमिंग करने का भी बहुत ही बढ़िया आपको मज़ा आने वाला है, गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ये जो चिपसेट है वो भी अच्छा है, और जो इसकी स्क्रीन है वो भी बहुत बड़ी है, मतलब कि एक नॉर्मल स्मार्टफोन से बड़ी आपको स्क्रीन देखने को मिलती है तो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया देखने को मिल जाता है। बाकी बात करते हैं इस स्मार्टफोन के एंड्रॉइड वर्जन की, तो एंड्रॉइड 13 देखने को मिलता है और iOS 13 देखने को मिलता है, यानी कि आपको टेक्नो का UI देखने को मिलता है। इसमें आपको थोड़े बहुत पहले से ब्लॉटवेयर देखने को मिलने वाले हैं, प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स भी देखने को मिलते हैं। अब ये नहीं पता है कि कितने आपको प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स देखने को मिलते हैं, बाकी आपको एड्स तो देखने को मिलने वाले हैं इस स्मार्टफोन के अंदर, तो पूरा क्लीन UI का एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलता, थोड़ा बहुत भी नहीं देखने को मिलता है टेक्नो का स्मार्टफोन है तो। बाकी एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है तो उस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत अच्छा UI देखने को मिल जाता है। और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कितने अपडेट्स देखने को मिलने वाले ये तो टेक्नो वाले ही जानते हैं कि कितने अपडेट्स हैं और कितने उनको अपडेट्स देने हैं और कब देने हैं, ये तो सब टेक्नो वाले ही जानते हैं। बाकी बात करते हैं इस स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की, तो इसमें रैम में आपको 12GB की रैम देखने को मिलती है, 256GB की स्टोरेज और 512GB की स्टोरेज, LPDDR5X रैम टाइप और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है। दोनों का अच्छा मैनेजमेंट आपको देखने को मिल जाता है, और 21GB तक आप रैम एक्सटेंड कर सकते हैं
इसमें आपको अगर आपके पास मेमोरी अनयूसेज है तो आप उसे रैम की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप 21 GB तक आप रैम एक्सपेंड कर सकते हैं, जिससे रैम मैनेजमेंट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। बात करते हैं हम इस स्मार्टफोन के बैटरी की, तो जो बैटरी देखने को मिलती है 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया बैटरी है एक फोल्डेबल स्मार्टफोन की मतलब के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही आपको अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से आपको देखने को मिल जाएगा। और इस स्मार्टफोन के अंदर 45W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, तो एक घंटे के अंदर अंदर आपको मोबाइल आराम से चार्ज हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। फोल्डेबल स्मार्टफोन की अगर हम कैटेगरी देखें तो उस स्मार्टफोन में सबसे फास्ट चार्जिंग आपको इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलती है, और ये बॉक्स के अंदर भी आता है। ऐसा नहीं कि आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा किसी और फोल्ड स्मार्टफोन की तरह, ऐसा नहीं रहेगा। बाकी आप बहुत अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। और भी अगर थोड़ी बहुत चीज़ों की बात करता हूँ तो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, 15 5G बैंड्स का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इंडिया के अंदर जितने भी 5G बैंड है उनका सबका आपको इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी के मामले में बहुत बढ़िया है, ब्लूटूथ 5.3 है, वाईफाई 6 है, NFC है, बस इसमें आपको 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है। तो ये सब आपको देखने को मिल जाता है फोल्डेबल स्मार्टफोन के अंदर, टेक्नो के फोल्डेबल स्मार्टफोन के अंदर। बात करते हैं हम ये स्मार्टफोन को किन यूज़र्स के लिए वाला स्मार्टफोन बना हुआ है, तो ये स्मार्टफोन उन यूज़र्स के लिए बना हुआ है जो कि मतलब पहले से एक फोल्डेबल स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, या जिन्होंने फ्लिप स्मार्टफोन यूज़ करा हुआ है उन यूज़र्स के लिए वाला स्मार्टफोन अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके यूज़ टू है वो वाले स्मार्टफोन यूज़ करने में, तो उनको ज़्यादा दिक्कत देखने नहीं मिलने वाली। अगर आपको भी ख़रीदना है तो आप भी खरीद सकते हैं। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा यूसेज रहता है, आपके मोबाइल से हैवी यूसेज रहता है, आपका ज़्यादातर काम आप मोबाइल से ही करते हैं, तो आपके लिए वाला स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा। बाकी मेरी तरफ से तो आप ये वाले स्मार्टफोन की तरफ जगह दूसरा स्मार्टफोन देखिए, क्योंकि ये जो फोल्डेबल स्मार्टफोन का जनरेशन है ये अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी आगे और भी आपको दूसरी कंपनीज के स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं। क्या पता कितनी प्राइस रेंज पे देखने को मिलने वाले हैं, क्या शायद लगता है मुझे कि आगे जाकर और भी कम प्राइस रेंज में आपको फोल्डेबल स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। बाकी लास्ट एंड फाइनल डिसीजन आपका रहेगा कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना है और कौन सा नहीं लेना है। सो बड़ी ये थी आज की हमारी वीडियो, टेक्नो फैंटम वी फोल्ड के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से जाकर नीचे टेक बड़ी शान को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और आप टेक्नो फैंटम वी फोल्ड के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, उसकी प्राइसिंग कैसी लगी, उसके अंदर फीचर्स कैसे लगी, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं मैंने इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे बड़ी शान, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।